झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सोरेन को रिमांड में लेकर पूछताछ की थी। हेमंत सोरेन की ईडी की रिमांड अवधि अब खत्म हो गई, जिसके बाद पूर्व सीएम को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हेमंत सोरेन को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हेमंत सोरेन को होटवार जेल में छोड़ने के लिए ईडी की टीम गई। 31 जनवरी को सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने हेमंत सोरेन को इस केस में 3 बार रिमांड पर लिया। पहली और दूसरी बार 5-5 दिन और तीसरी बार 3 दिन की रिमांड दी गई थी। गुरुवार को हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने पहुंची थी। रिमांड की अवधि खत्म हो गई है और आज से उनका जुडिशियल कस्टडी शुरू हुआ। हम लोगों ने उनके जो पिटीशन था उसका ऑब्जेक्शन किया है और हम लोग बहुत ही जल्दी सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। बहुत जल्द जुडिशियल कस्टडी आज से शुरू हुई है, हमारा बेल एप्लीकेशन मूव होगा, उस पर निर्णय होगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। पूरे रांची शहर में जगह जगह झारखंड झुकेगा नहीं के पोस्टर्स लगाए गए। 31 जनवरी को गिरफ्तार होने से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम बने।